नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट ओवर केमिस्ट्री टेस्ट 11 जो रिलेट कर रहा है एप्टीट्यूड केमिस्ट्री से। तो हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट टाइम 10 टेस्ट कर लिए हैं कंप्लीट। 11 में स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट कंटेन फंक्शनल ग्रुप 1D हाइड्रोक्सी भी होता है इसमें, हाइड्रोक्साइड अल्डोज भी होते हैं, हाइड्रोक्सिल कीटोज भी होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है, कीटोनिक ग्रुप भी होता है। इट मींस दैट क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 5 ml ऑफ 1 molar NaOH अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट, ग्राम्स मालूम करना। बहुत ही आसान सी बात है, आसान सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जस्ट फॉर्मूला बता देता हूं आप लोगों को, आप लोग कर लेंगे इजीली। फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1000 से, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml। तो बहुत ही आसान सी बात, देखिए हमें वॉल्यूम गिवन है 5 ml, 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40, और जस्ट जाके मल्टीप्लाई करवाना है और 1000 डिवाइड हो जाएगा, मास आ जाएगा ग्राम्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है 0.2 grams, ठीक है। जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या लगेगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और इसमें हम मास से क्या निकालेंगे, मोलैरिटी। तो आसान सी बात है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, 2 का करेक्ट आंसर इज 0.2 grams। नेक्स्ट, आयनिक सॉल्यूशन ऑफ KBr हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, जो आयनिक सॉल्यूशन होता है KBr का, ठीक है, वो देखिए बहुत ही आसान सी बात, बहुत ही आसान सी बात पूछी गई, इस पे गौर कीजिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। देखिए इनिशियल हमारे पास क्या है, हमारे पास है KBr, क्या चीज है हमारे पास, KBr, रिएक्टेंट में KBr है, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ये बनेगा ना भाई, K पॉजिटिव बनेगा, पोटेशियम आयन बनेंगे और ब्रोमाइड आयन बनेंगे। तो इसका मतलब यहां पर इनिशियल कितने थे हमारे पास, 1 mole, इनिशियल कितने थे हमारे पास 1 mole, ये था 1, प्रोडक्ट में कितना हासिल हुए, 2 moles, 2 potassium 2 bromide। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ सिस्टम, तो 2 fold moles प्रोड्यूस हो गए। तो आयनिक सॉल्यूशन ऑफ KBr हैज ऑस्मोटिक प्रेशर डबल देन KBr, ऑप्शन ए। तो इसमें ऑप्शन ए आंसर है, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत यूं महसूस हुई ताकि आप लोगों को कंप्लीटली पता चल जाए कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए हमें निकालना हो, फॉर एग्जांपल ये PbI2 होता, फॉर एग्जांपल ये सवाल क्या होता, ये सवाल होता हमारे पास PbI2। अब आपसे पूछते हैं, ये आपसे पूछते हैं यहाँ पर, बताइए PbI2 का जो आयनिक सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, सेम, डबल, 3 times, 4 times, कितना टाइम्स, बहुत ही आसान सी बात, लेड आइंस प्लस 2 iodide आइन। देखें यहां पे कितना है, 1 mole, यहां कितना हो गया प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में हो गया हमारे पास 1 plus 2 3 moles, तो इसका मतलब कितने होगा, ये 3 times देन PbI2, क्लियर है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व हमें कुछ भी गिवन हो सकता है, सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 20 ग्राम्स मोनोटॉमिक गैस ऑक्यूपाइज 44.8 dm³/sTb, व्हाट इज द एटॉमिक मास वेट ऑफ गैस। देखें सिंपल इज दैट द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इज जनरल गैस इक्वेशन, इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, PV equals to NRT, NRT. प्रेशर हमें गिवन है स्टैंडर्ड पे कितना होगा, 1 atm ले लिया हमने, वॉल्यूम हमें 22.4 गिवन है, 44.8 डबल वॉल्यूम है, 20 ग्राम्स है, ठीक है, एटॉमिक मास पूछ रहे हैं, N निकालेंगे, और N किसके इक्वल है, N किसके इक्वल है भाई,
एन इक्वल है हमारे पास मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, सिंगल एटम है तो यहाँ पे एटॉमिक मास आ जाएगा, मोल निकालेंगे और मोल को जाके डिवाइड करवा देंगे मास से, गिवन मास कितना है 20 ग्राम। तो सिंपल सा फॉर्मूला ही अप्लाई होगा तो 4 का सी आंसर आ जाएगा, तो 4 का हमारे पास या बी आंसर आ जाएगा जो भी है इसके अंदर, 4 का बी आंसर है 10 ग्राम, 10 ग्राम आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सेकंड, इफ वन मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल डैश मोल ऑफ ऑक्सीजन देन हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू 53 ग्राम ऑफ इथेन। अच्छा देखिए जरा गौर से इसको किस तरीके से करना है, इसमें इक्वेशन बनानी है, इथाइल अल्कोहल मोल ऑफ ऑक्सीजन देन हाउ मच इथेन, इथेन के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए 81.48 mg³ ऑक्सीजन, पहले हम लिखेंगे अल्कोहल, अल्कोहल से इथेन बना रहे हैं, जी नहीं ये बना रहे हैं इथेन से अल्कोहल, इथेन पहले लिखेंगे C2H6, ठीक है, ये आगे हमारे पास O2, ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, तो इथेन से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है OOH, OH फॉर्मेशन हो गई अल्कोहल की, पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस के बाद और देखेंगे कुछ और इक्वेशन तो नहीं बनी, वैसे इस टाइप की इक्वेशन में वो गिवन होना जरूरी है, क्या भाई 5-6, ठीक है कार्बन 2 कार्बन 6 ऑक्सीजन है 1, तो हमें बैलेंस करना है पहले इक्वेशन को, बैलेंस करना है इक्वेशन को, क्या करेंगे हम ये यहाँ पर लिख के आ गया ऊपर, ठीक है, तो हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 बैलेंस, कार्बन 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 ऑप्शन 1, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे 1 डिवाइड बाय 2, ये हाफ हो गया, सही है, ऑप्शन कितने होंगे हाफ, बैलेंस हो गया। अब हमसे बोल रहे हैं भाई कि 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन, अच्छा हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन है, पहले इथेन का मास निकाल लेते हैं, कार्बन 24 और हाइड्रोजन 6, इसका मतलब 30 ग्राम्स हो गया, ये कितना हो गया 30 ग्राम्स, इसका और अल्कोहल का यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है, हमें निकालने ऑक्सीजन के लिए मोल, ऑक्सीजन के लिए मोल निकाल लेना, तो आसान सी बात है 30 ग्राम्स का मतलब ये हो गया इसका मास कितना गिवन है हमारे पास 56 ग्राम है, 36 ग्राम में हाफ मोल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एड एस सी पी कितना होता है 22.4, एड एस सी पी गिवन नहीं है हमें यहाँ पर, एड एस सी पी गिवन नहीं है, चलो एड एस सी पी करके देखते हैं, तो 11.2 मोल्स हो गए, 11.2 डी एम क्यूब हो गया ये, इसका मतलब अगर 30 ग्राम्स इथेन के हों तो 11.2 डी एम क्यूब किसके मिलते हैं ऑक्सीजन के, तो अगर 1 ग्राम होगा, अगर 1 ग्राम इथेन के हों तो कितना मिलेगा 11.2 डिवाइडेड बाय 30 डी एम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अब 1 ग्राम की जगह कितना रखेंगे 56, तो 56 से मल्टीप्लाई करवा दें इसको, 56 ग्राम इक्वल्स टू 11.2 डिवाइडेड बाय 30 और इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाएंगे 56, ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, ये कितना आ गया तकरीबन 20 आ गया, 20 पॉइंट कुछ, इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कितना है, ए 5 में आंसर बिल्कुल ये नहीं आ रहा, इसका मतलब दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अब हम दूसरे मेथड लगा रहे हैं कि अगर ये एड एससीपी पर होता तो 21 डीएम क्यूब आंसर आ जाता, लेकिन अगर एड एससीपी नहीं है तो हमने निकाल दिया 30 ग्राम्स ऑफ इथेन रिएक्ट्स विद हाफ मोल मतलब 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 56 कितने के साथ मिलेगा, 56 मिलेगा 16 डिवाइडेड बाय 56, ठीक है, और 16 डिवाइड बाय 30 और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई किससे होगी, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 56 से, पहले इसका निकालेंगे मास, ठीक है, अब अगर मास निकालें तो क्या बनेगा भाई 16 मल्टीप्लाई बाय 56 और ये पूरा आ गया हमारे पास तकरीबन 30, ये हमारे पास आ गया 30 ग्राम्स किस चीज़ के, 30 ग्राम्स आ गए ये ऑक्सीजन के, बस यही ठीक है, चलते हैं अभी 30 ग्राम ऑक्सीजन के आ गए, अब क्या करें, वॉल्यूम निकालना है इसका, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वो मोल्स के अंदर, डिवाइड बाय मोल्स, तो कितने हैं इसके पास इथेन ऑक्सीजन के पास 32 ये आ गए हमारे पास इसके मोल्स, ये क्या आ गए हमारे पास इसके मोल्स, और मोल्स तकरीबन कितने आ गए,
0.93 मोल्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, वही मसला है, और कोई कंडीशन हमारे पास है नहीं। 22.4 ठीक है, रूम टेम्परेचर होता है 24, और तकरीबन मुझे यही लग रहा है कि 20 के अंदर आंसर आएगा, 21 डी एम क्यूब। देखिए बहुत आसान सी बात है कि इसमें दो चीज़ें हैं, हमने दोनों मेथड से करके देख लिया, तो यहाँ मिसिंग था ज्यादा एड एस सी पी होना चाहिए और लाजमी होना चाहिए क्योंकि बाकी प्रेशर वॉल्यूम और दूसरी चीजें गिवन नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 4 इज सी 20 ग्राम, 4 इज सी 20 ग्राम, क्योंकि वो बाकी डेटा गिवन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखें अब नेक्स्ट का लिखा हुआ है -42 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू डैश, सिंपल है, सेंटीग्रेड टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्जन का फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, और ये 6 का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 41.1 डी। ठीक है, जैसे ना होता 9/5 f-32, तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट में फॉर्मूला है कन्वर्जन, ठीक है, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास कितना हो गया 41.1। देन सिक्स का ऑप्शन डी, देन सेवन हमारे पास क्या है, बेंजीन डज नॉट परफॉर्म डैश रिएक्शन, तो सेवन का एलिमिनेशन, बेंजीन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता, बाकी सब रिएक्शन देता है, सेवन का सी। एट एंजाइम इज डैश, तो एंजाइम इज बी, ठीक है, एट सी, एट बी प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, इट मींस दैट बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, नाइन ऑप्शन ए। 10, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 4p1, करेक्ट क्या होगा इसका, फोर्थ पीरियड। देखें किसमें, फोर्थ पीरियड, एक बी भी सही है लग रहा है हमें और ए सी भी सही लग रहा है। अब दूसरी बात, इसका ग्रुप 3 होना चाहिए, 4p से पहले 4s होगा, 4s में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इट मींस दैट ये भी सही बोल रहा है भाई, ठीक है, और ग्रुप 4, फोर्थ पीरियड हो गया, ग्रुप क्या हो गया 3, इट मींस दैट के अजिमथुअल क्वांटम नंबर 1, ये भी सही है, इसमें ऑप्शन बी भी सही आ रहा है और सी भी सही आ रहा है, बी और सी दोनों करेक्ट हैं, तो इसमें लिख देंगे भाई 10 में बी और सी दोनों करेक्ट हैं, 10 में बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, इसका ऑप्शन नहीं है फिलहाल हमारे पास, लेकिन 10 में बी और सी दोनों करेक्ट हैं, दोनों मिल रहे हैं इसमें। अच्छा, 11, एलिमेंट विद सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज इन स्टेनलेस स्टील, फर्स्ट किसकी होती है, आयरन की, फर्स्ट किसकी, आयरन की, सेकंड किसकी, क्रोमियम की, फर्स्ट परसेंटेज आयरन की होती है, सेकंड किसकी होती है, क्रोमियम की, तो ये आ गए क्रोमियम आंसर। फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट, तो एक होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और पोटेशियम मैग्नेट क्या होता है, K2MNO4 पोटेशियम मैग्नेट, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इज K2MNO4, राइट। 13 इज रेस्पेक्टिव नेम ऑफ NO3-1, NO2-1 एंड N-3, करेक्ट नेम क्या है याद होना चाहिए, NO3-1 को कहते हैं नाइट्रेट, NO2 को कहते हैं नाइट्राइड, और N-3 को कहते हैं आइड, 8 आइड और आइड, 13 ऑप्शन ए करेक्ट। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, तो जब आप लोग करेंगे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड, 6 कार्बन कार्बन के दरमियान, 6 कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, ठीक है, देयर आर 12 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड मत लिख के आइएगा आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट 15, कार्बोहाइड्रेट आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, आई थिंक ए, 15 ऑप्शन ए, कार्बन हाइड्रोजन ऑप्शन बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। 16, प्रोटीन इज अ डैश, प्रोटीन ना ही कैटलिस्ट है ना ही कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन एंजाइम है, 16 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। Which one of the following is wrong configuration? 17 में हमें C नजर आ रहा है, wrong configuration है, वजह क्या है? 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 2px में, जबकि 2px में 1 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, 2px1, 2py1 और 2pz1, तो 17 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। देन 18,
एडीन इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी रिएक्शन की क्या होगी, ग्रेटर होती है प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट की एंथैल्पी, असल में रिएक्टेंट की पूछ नहीं, रिएक्टेंट की ज्यादा होती है जब भी एनर्जी रिलीज होगी, जब भी एनर्जी क्या होगी माइनस में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखेंगे तो माइनस कब होगा, माइनस जब होगा जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखें या एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिखें, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा होती है प्रोडक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 19, देखें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 में जरा हम एक मिनट लगा लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 54 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल है। पहली बात 54 को कन्वर्ट कर लें, 54 प्लस 273 आंसर क्या आ जाएगा, 327। आंसर कितना आ गया, 327 डिग्री सेल्सियस। अरे भैया 327 डिग्री सेल्सियस ये आ गया। अब प्रेशर देखें, प्रेशर कितना है 1.2 एटमॉस्फेयर, 1.2 एटमॉस्फेयर। देखें ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं है, 1.2 एटमॉस्फेयर ज्यादा हो गया। सी ऑप्शन क्यों हो सकता है, अब जरा और से देखें, 1 ATM किसके इक्वल है, 1 ATM इस गूगल है 14.7 PSI, PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच। अगर 1 ATM 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच है तो 1.2 क्या होगा, 1.2 आगे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी, 19 का ऑप्शन बी, 19 का ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, 19 ऑप्शन बी। यकीनन डिग्री फॉरेनहाइट भी सही आ रहा है, डिग्री फॉरेनहाइट भी आप कन्वर्ट करेंगे ना, जब आप कन्वर्ट करेंगे 54 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरेनहाइट सही आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर नहीं है प्रेशर भी पूछा गया है, ठीक है। 14.7 मल्टीप्लाई करो 1.2 से, सही है, तो करेक्ट आंसर है 17.6 PSI। बस इतना याद होना चाहिए था हमें कि 1 atmosphere विल बी इक्वल्स टू, 1 atmosphere विल बी इक्वल्स टू 14.7 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। अब इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट थोड़ी सी थ्योरी रह गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, 20 में डी क्रिस्टलाइजेशन में भी स्ट्रेंथ होती है, कंडेंसेशन होता है जब भी मॉलिक्यूल स्ट्रेंथेंड होते हैं, और फ्रीजिंग में भी स्ट्रेंथेंड होगी, ऑल ऑफ दीज सही। 21 में नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन 2,3-dimethyl butane अगर हम बनाएं, 2,3-dimethyl butane क्या बनेगा, ब्यूटेन 1, 2, 3, 4, ठीक है। 2 और 3 पे क्या लगा दें, मिथाइल, देखें 2 पे लगा दें मिथाइल, एक इस पे, एक 2 पे मिथाइल लगा दें और एक 3 पे मिथाइल लगा दें, क्या हो गया भाई, देखें 2 पे मिथाइल लग गया CH3, ये काफी बड़ा हो जाएगा, मैं सिर्फ सी लगा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी लगा दिया मिथाइल, 2,3-dimethyl butane आ गया। अब इसमें बोल रहे हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम में कितने कार्बन एटम होंगे, देखिए प्राइमरी क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एन 2,3-dimethyl, सेकेंडरी हाइड्रोजन ये प्राइमरी क्या होगा, जो एक कार्बन से अटैच हो, प्राइमरी एक कार्बन से अटैच होगा। अब देखें सेकेंडरी हाइड्रोजन पूछे, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री, देखिए पहली बात हम जरा इसको मार्कर लेके आते हैं, हाँ ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये क्या है फोर्थ, ये एक कार्बन सेट, ये 2-3 कार्बन सेट अटैच है, ये टर्शियरी कार्बन एटम, ये 3 कार्बन सेट अटैच है, टर्शियरी कार्बन एटम, 2 और 3 कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम, 1 प्राइमरी, ये वाला कार्बन प्राइमरी, ये भी कार्बन प्राइमरी और ये भी कार्बन प्राइमरी, तो इसमें सेकेंडरी कार्बन ही नहीं है, सेकेंडरी हाइड्रोजन ही नहीं होंगे, इट मींस दैट 21 का ऑप्शन डी। ऐसा कौन सा कार्बन है, 2 कार्बन से अटैच है, ऐसा कोई सा भी कार्बन नहीं है, ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन एटम नहीं है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट 22nd में नॉन पोलर सॉल्वेंट किसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डायरेक्ट अटैक पॉसिबल होता है, और डायरेक्ट अटैक कहां पर होता है, SN2 रिएक्शन,
SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है दो सब्सटेंस की एक्टिव मासेस के ऊपर। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन दो सब्सटेंस की एक्टिव मास पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है, उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे। ये आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 23rd में C5H10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डैश 5 to the 10। इसका मतलब 23 की बात करें तो ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन भी है, और साइक्लोपेंटेन में भी दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं, बिल्कुल सही। और क्या है हमारे पास? पेंटेन 5 to the 10 11 12। पेंटेन नहीं हो सकता ये, क्यों? पेंटेन में 12 होता है। तो 23 का ऑप्शन ए, 23 का ऑप्शन ए, 23 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 24, 25 देख लेते हैं। 24, द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। 24, तो ये क्या होती हैं? ऐसे तमाम प्रॉपर्टीज जो कि मास पर डिपेंड करें, एक्सटेंसिव, जो मास से डिपेंड ना करें, इंटेंसिव, तो ये एक्सटेंसिव है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डैश। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड फैटी एसिड। उम्मीद है कि आप लोगों को टेस्ट नंबर 11 तक तमाम क्वेश्चंस क्लियर होंगे, तमाम मल्टीपल चॉइस और न्यूमेरिकल में जो चीजें आ रही थी वो क्लियर है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बाकी जो रिमेनिंग पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है, 12, 13, 14, 15। तो जब तक अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।